press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज मेरे पास वीवो Y95 जिसका मॉडल नंबर है 1807 और इसमें FRP लगा हुआ है, यानी गूगल लॉक, गूगल अकाउंट लॉक। तो हम इसे बाईपास करने वाले हैं बिना कंप्यूटर के, तो उसके लिए आप वीडियो को अंत तक देखते रहें। यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे इसमें गूगल अकाउंट लगा हुआ है कि नहीं। तो हम आगे नेक्स्ट करते हैं बिना किसी वाईफाई नेटवर्क के। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आगे क्या लिखने वाला है। यहाँ पे नॉट साइनिंग, यानी कि यहाँ पे बता रहा है ओरिजिनल गूगल अकाउंट से साइनिंग करने के लिए। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक वाईफाई कनेक्ट करते हैं। वाईफाई कनेक्ट होने के बाद ठीक के बाद यहाँ पे आप जो सिंबल देख रहे हैं उस पर क्लिक करना है जिसको हम घेरे हुए थे, और यहाँ पे यूज स्टैटिक्स आईपी पर क्लिक करके यहाँ पे DNS पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है उस पर थोड़ा देर प्रेस करके रखने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा, उसमें वेब सर्च आएगा, उस पर क्लिक कर देना। उस पर क्लिक करने के बाद आपका एक ब्राउज़र खुल जाएगा, जो कि ब्राउज़र में आपको एक वेबसाइट सर्च करना है। तो चलिए हम एक वेबसाइट सर्च कर लेते हैं जिसका URL है amtech99.xyz या फिर .com, कोई भी हो। तो हम चलिए हम सर्च कर लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है amtech99.xyz। वेबसाइट सर्च करने के बाद आपको सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में 3 डॉट क्रैक सॉफ्टवेयर के बगल में दिख रहा है, उस पर क्लिक करके और FRP APK पर क्लिक कर देना है। FRP APK पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है, और नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबसे नीचे एंड्रॉयड गूगल मैनेजर 8.1, तो हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। और डाउनलोड होने के बाद सेटिंग में जाएंगे और अननोन सोर्सेज को ऑन कर देंगे। अननोन सोर्सेज ऑन होने के बाद हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे, और इंस्टॉल करने के बाद डन कर देंगे। डन होने के बाद आपको फिर से एक और सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है जिसका नाम है FRP Bypass APK। आप देख सकते हैं यहाँ पे FRP Bypass APK, देख के डाउनलोड कर ले इसे, और डाउनलोड होने के बाद इसे भी इंस्टॉल कर लें। और इसे इंस्टॉल होने के बाद आपको इसे ओपन करना है, ना ही डन करना है। डन नहीं करना, ओपन करना। ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको राइट साइड में 3 डॉट क्लिक करना है, और उसके बाद ब्राउजर साइनिंग पर क्लिक करके ओके दबा देना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको कोई भी एक गूगल अकाउंट यानी जीमेल, नया हो पुराना हो, बना लेना है। अगर नहीं आपके पास तो इसे क्रिएट कर लेना है। बनाने के बाद आपको ID के साथ पासवर्ड डाल देना है और साइनिंग कर लेना है। साइनिंग होने के बाद आपको कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स। अगर साइनिंग सक्सेसफुल हो जाए तो यहाँ पे आपको फ़ोन को रीस्टार्ट कर लेना है। पावर बटन दबा के थोड़ा देर के लिए रखेंगे और रीस्टार्ट कर लेंगे, एंड देन रीस्टार्ट होने तक का इंतज़ार करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा समय लगेगा तो हम इंतज़ार कर लेते हैं। जैसे ओपन होता है फ़ोन तो हम आपसे मिलते हैं। थोड़ा सा वीडियो स्किप भी करना होगा शायद मेरे अंदाज से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फोन सक्सेसफुल ऑन हो चुका है। तो हम इसे नेक्स्ट करेंगे लैंग्वेज और कंट्री सेलेक्ट करते हुए, और यहाँ पे वाईफाई को नहीं हटाना है, वाईफाई कोई ना कोई कनेक्ट रहना चाहिए इसमें। तो चलिए हम एक वाईफाई कनेक्ट करके ही आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है, एंड देन स्किप नेक्स्ट करते हुए आगे बढ़ना। उतना तो आप समझदार होंगे ही फ्रेंड्स। मैं आपसे पहले ही बोल रहा हूँ हमारे वीडियो को लाइक करें, अगर आपको अच्छा लगेगा, अच्छा ना लगे तो हमारे वीडियो को डिसलाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं वीडियो आपका कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिएगा।